वेलकम बैक खवातीन आज रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो। रोमियो मेरी डॉग का बाप है। मैं और उमर इसी तरह की बातें यूजुअली फ़ोन पे भी कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि पेट लवर्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपकी पेट को कोई प्रॉब्लम है या अगर आप पेट रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक वेट के पास जाइए जो कि डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी जो डॉक्टर्स होते हैं, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, वो आपको बता सकते हैं कि आपकी फैमिली के लिए कौन सा डॉग अच्छा रहेगा और आपके बच्चे और आप उससे क्या कुछ सीख सकते हैं। मेरे ख्याल से जो गार्ड डॉग्स होते हैं उनको भी अगर आप थोड़ा सा ट्रेन करें तो दे कैन बी अ गुड पेट डॉग आल्सो। दे आर वेरी गुड डॉग्स, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है उनकी और वो ज़्यादा समझदार होते हैं। अगर आप उनको कमांड सिखा दें कि आपने किस वक्त अग्रेसिव होना है, किस वक्त अग्रेसिव नहीं होना, घर में कौन कौन के साथ आपने फेमिलियर होना है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, तो वो बहुत बहुत अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, और यूजुअली इन्हें कि अब तो वो पाकिस्तान में वो ट्रेंड नहीं रहा कि वो यूजुअली गार्ड डॉग्स हैं, अब उनको लोग इंडोर भी रखते हैं, घर में भी पालते हैं। उमर, मैंने देखा है बहुत सारे लोग हस्कीज़ को वो टेम्परेचर नहीं मिलता यहाँ पे, बिल्कुल नहीं मिलता। जो हस्कीज़ जो सिंगल कोट हस्कीज़ होते हैं उनको भी तो ठंड चाहिए। साइबेरियन डॉग्स अगर उनके लिए आप रूम के अंदर एसी की मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर एसी चला रहे हैं, फिर आपके लिए इतना मसला नहीं होता। क्योंकि डॉग जो है वो अडॉप्टिव एनिमल है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर उसको एक्सटर्नल एसी, लेकिन ये इतना टेम्परेचर है वो नहीं बेयर कर सकते कि 35 या 40 डिग्री में आप घर के बाहर उसको बांध दें या आप घर के बाहर किसी लॉन वगैरह में रख लें, नहीं। इंडोर एन्वायरमेंट चाहिए, धूप से उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हबस नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी से आपको बचा के रखना है। अच्छा, कौन से डॉग्स होते हैं, वो कौन सी ब्रीड है जो हार्ट अटैक जिनको बहुत जल्दी हो जाता है? देखिए, किसी भी डॉग को हार्ट अटैक जो है वो कॉमन है इनके अंदर। अच्छा, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट डिजीज़ है इनके अंदर बिल्कुल कॉमन है, इनका भी सेम ब्लड प्रेशर शूट करता है जैसे ह्यूमंस का करता है, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, ये सारी चीज़ें इनमें कॉमन है। ज़्यादातर किस वजह से? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इशूज़ जो आते हैं फीड में इम्बेलेंसेज होते हैं। अगर आप फीड प्रॉपर नहीं देते, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन ओवर फीड कर रहे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फैट्स देने लग जाते हैं, कुछ सिर्फ बोन्स पर शिफ्ट कर देते हैं। एक बैलेंस डाइट अगर आप दे रहे होंगे तो फिर ये मसला नहीं। बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट के अंदर आपको कैट फूड, आपको डॉग फूड्स भी देने हैं, आपको इनके लिए बॉयल चिकन की मैनेज भी करनी है, कुछ फ्रूट्स इनके लिए रिकमेंडेड है, आप वो फ्रूट्स भी दे सकते हैं, आप इनको बनानास दे सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं वो डॉग्स को मैंगोस भी देते हैं, आप इनको दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक क्वांटिटी की हद तक है। कुछ लोग होते हैं वो हफ्ते में दो दिन आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो फिर क्या करते हैं, सारा दिन एनिमल्स को वही खिलाते हैं। योगर्ट आप इनको दे सकते हैं। ये जो डाइट मैनेजमेंट है, अगर आप इस तरह का ख्याल रखें तो आपका पेट्स के साथ कभी भी सफ़र नहीं करता। और टाइमली वेट चेकअप, देखिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो उसकी हार्ट कंडीशन चेक करेगा, वो ऑस्कल्टेट करेगा, लंग साउंड ऑस्कल्टेट कर लेगा, ECGs वगैरह हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में कॉमन है, अब एनिमल्स के लिए परफॉर्म होती हैं, तो आप ये सारी चीज़ें अगर करवाएंगे तो उनके साथ ये मसले नहीं होते। मसले नहीं होगा मेरे ख्याल से, डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के पास जाते रहना चाहिए अपने पेट्स को लेकर। मंथली हेल्थ चेकअप जो है वो अपने अपने वेट के साथ असाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डॉग कफ कर रहा है तो उसकी दो रीजंस हो सकती हैं, या तो वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर है, हार्ट साइंस के अंदर भी डॉग्स कफ करते हैं जैसे ह्यूमंस के अंदर ये साइंस होते हैं। तो आप अपने वेट को, आपके साथ यूजली आजकल वेट्स व्हाट्सएप पर अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी वक्त किसी भी वेट को व्हाट्सएप पर भेजें, वो आपको कोई ना कोई टेक्निकल या एमरजेंसी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, मुझे एक बात ही बताएं उमर, पता कैसे चलना चाहिए कि आपका डॉग अब मीटिंग के लिए रेडी है? देखिए, डॉग्स जो हैं, जो फीमेल डॉग्स हैं उनका हीट स्केड्यूल स्टार्ट होता है। वो किस साल से? वो डिपेंड करता है, लाइक 9 मंथ्स के ऊपर डिपेंड, कुछ में स्टार्ट हो जाता है, कुछ में 8 मंथ्स पे हो जाता है। बेसिकली इसकी टेक्निकल रीज़न ये है, 80% ऑफ द बॉडी वेट जब वो अपने अडल्ट वेट का गेन कर लेगी, जो अडल्ट वेट उसका नॉर्मल होगा उसका 80% जैसे वो अटेन कर लेगी, उसकी यूट्रस, उसकी ओवरीज, उसका जो साइकिल्स है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, फिर उसके हार्मोनल इम्बेलेंसेस के बाद वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल हो जाता है और वो हीट में आ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट हीट पर यूजली हम रिकमेंड नहीं करते मेटिंग करवाई, जस्ट सेकेंड हीट पर करवानी चाहिए। फर्स्ट हीट पे चूँकि जो उसका ट्रैक है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ होता तो अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पायोमेट्रा के चांसेस होते हैं, सिजेरियंस पे जाना पड़ सकता है क्योंकि उसको डिलीवरी का, उसको ये नहीं पता बच्चों को कैसे संभालना है, मिस्टाइटस, मेमोरी ग्लैंड्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग जाते हैं। तो आप इसलिए सेकेंड मीटिंग के ऊपर जाएँ, सेकेंड मीटिंग तक एक तो आपका जो डॉग है उसकी एक नेचर पपी नेचर है, वो पपी नेचर से निकल चुका होता है तो उसके अंदर एक मेच्योर नेचर आहिस्ता आहिस्ता आनी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, कितनी क्यूट है।
She's adorable. She's very well trained. आप इसको बिठाइए यहाँ से नहीं उठ के जाएगी. नहीं उठेगी. बिल्कुल नहीं. तुमने कैसे ट्रेन किया? मार मार. नहीं 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 मारने से ट्रेन नहीं होते. हम इसको बहुत ये बहुत पैम्पर्ड रही है. किसी रेस्टोरेंट में कैफे में जाएगी तो एक जगह पे हम बिठाएंगे इसको, ये बैठी रहेगी. अच्छा. कहीं नहीं मूव करती है और ये इसी मकसद के लिए इसको ट्रेन किया गया था. उमर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. बहुत बहुत शुक्रिया. ख़वातीन और हज़रात आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग शो देखने के लिए. मैं तो बिल्कुल खो चुका हूँ इस वक्त. कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे. एक शब्द का ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.